तो हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैक्स एंड में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कस्टम फाउंट आप पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में कैसे ऐड कर सकते हो। बहुत सारे कस्टम्स फाउंट जैसे स्टाइलिश फाउंट कैसे बहुत टाइप के फाउंट हैं, आप डाउनलोड करके पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में कैसे ऐड कर सकते हो। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा कुछ ना बोलते चले चलते वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई सा भी ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है अपने मोबाइल में। मैं गूगल में ने ओपन कर रखा है, तो गूगल में मैं आपसे यहाँ पे सर्च मारूँगा DA Fount। तो DA Fount मैंने सर्च किया है, और बाकी तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल करवा दिया है। तो DA Fount सर्च मारने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला वेबसाइट मिल रहा होगा, तो आपको इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पर ओपन हो गया आपका वेबसाइट। यहाँ पर हज़ारों बहुत सारे मतलब यहाँ आपको फाउंट्स स्टाइलिश फाउंट्स मिल जाएंगे, तो आपको कोई सा भी जो पसंद आ रहा है आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, टेक्नो, बीट मैप, तो आप कोई से भी ले सकते हो। तो हमें टेक्नो में जाकर ये कौन सा वाला लिया था मैंने, हाँ CSI Sci-Fi करके कुछ था, ये गलत बोल दे तो बोल देना। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बहुत सारे फाउंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो फाउंट्स आपको पसंद आ रहा है तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप नेक्स्ट पेज में जाके आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो मैं पहले चॉइस कर लेता हूँ मुझे कौन सा सही लग रहा है यहाँ पर। तो सारे ही फाउंट यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं मुझे, मगर मैं देख लेता हूँ तब भी इससे भी बेस्ट फाउंट अगर मिल जाता है। तो ये देखिए मास्टरपीस लिखा हुआ है, ये वाला फाउंट बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको कैसे डाउनलोड करना है मैं दिखाता हूँ अभी। तो ये साइड में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन, तो डाउनलोड वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन आ गया तो डाउनलोड में क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो चुका है हमारा। तो हमें अब क्या करना है, यहाँ से हमें ऐसे बैक चले जाना है। अब हमें ओपन करना है एक क्या बोलते फाइल्स को। तो फाइल्स आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे मेरा सजेशन करो ZRZiver सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फाइल के अंदर। आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट वगैरह कुछ भी कर सकते हो। तो मैं देख लेता हूँ, मैंने जहाँ डाउनलोड कर रखा है तो वहाँ मैं वो वाला अभी एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। जो फाउंट मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा था यहाँ पे मुझे मिल चुका है, ये देखिए मास्टरपीस करके जीप फाइल है। तो अब यहाँ क्या करना है, इसको क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर लिखा है, इसको आपको क्लिक कर देना है। एक्सट्रैक्ट हियर करने का आपको रिप्लेस कर देना है। तो हमें एक यहाँ पे एक मास्टरपीस TTF करके कुछ मिल रहा होगा, देखिए फाइल, तो ये हमारा फाउंट है। तो हमें क्या करना है, इस वालों को आपको कॉपी भी कर सकते हैं या कट कर सकते हैं, वैसे मैं कट कर रहा हूँ तो आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको यहाँ से कट करने का चले जाना है, आपको यहाँ पे पिक्सआर्ट वाला फोल्डर ढूंढना है। तो पिक्सआर्ट वाला फोल्डर कहाँ गया, तो ये देखिए पिक्सआर्ट वाला फोल्डर मुझे मिल चुका है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। एंड नीचे देखिए लास्ट में आपको फाउंट्स वाला ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए फोल्डर, तो फाउंट वाला मैं क्लिक कर लूँगा। फाउंट वाला ऑप्शन में क्लिक करने का यहाँ पर पेस्ट वाला ऑप्शन आ रहा होगा ग्रीन कलर से, तो हमें क्या करना है यहाँ पर इस वाले को क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिकली मास्टर पीस वाला फाउंट यहाँ पर कॉपी हो जाएगा या कट हो जाएगा या मूव हो जाएगा, कुछ भी कह सकते हो। तो हमारा यहाँ पे सारा काम हो गया, प्रोसेस हो गया। तो हमें आ जाना है अब पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो मैंने वाइट पेज इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपको दिखा सकता हूँ अच्छी तरह से, इसलिए। तो हमें टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी एग्जांपल के थ्रू मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ मैक्स एडिटर, तो मैं इस थोड़ा नीचे कर देता हूँ, हाँ तो यहाँ पर हो चुका है मैक्स एडिटर लिखे, मैं इसे ब्लैक करके दिखाता हूँ एक मिनट। तो हमें अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि कहाँ पे आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो वाला फाउंट ने जो लगाया था वो आया नहीं, तो कैसे लाना है, ये जो ऑप्शन आ रहा होगा आप वीडियो में देख रहे हो एरो का ऑप्शन, तो उसी तरीके से फॉलो करना है। तो इस वाले क्लिक करके, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, माई फाउंट वाला एक ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पर, हार्ड बना है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख के मास्टर पीस रेगुलर करके कुछ लिखा है, ये हमारा फाउंट है जो मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके पेस्ट किया था पिक्सआर्ट वाले फोल्डर में। तो ये हमारा आ चुका है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही या एक ही फाउंट, एक ही टेक्स्ट हो भी कह सकते हो, एक ही कर सकते हो एक बार में, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मर्जी से कितना भी एक्सट्रैक्ट करके जितना भी डाउनलोड कर सकते हो आप इस पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर,
डाल सकते हो अपने मन पसंदीदा फाउंट्स। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में बेल आइकन का ऑप्शन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर देना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय।